आज हमारी देश की बहुत बड़ी नेता और साबिका प्राइम मिनिस्टर आन जहानी इंदिरा गांधी जी का आज 37वां जो आज के दिन पर वो शहीद हुई थी 31 अक्टूबर 1984 में, तो एक तो आज उनका दिन हम यहाँ पर याद कर रहे थे, दूसरा देश के दूसरे महान लीडर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब रहे हैं उनका आज जन्मदिन था। तो दोनों महान लीडरों को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो उन्होंने पूरी जीवनी में देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, देश की एकता के लिए, देश को एक समान चलाने के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसको याद करते हुए उनको आज खिराज तहसीन यहाँ पर पेश किया है। और खसूसन इंदिरा जी एक देश में आयरन लेडी के तौर पर मानी जाती थी और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में जो भी प्रोग्राम दिए हैं वो देश के गरीबों के लिए, पसमानदा तबकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मुझे खसूसन उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम जो उन्होंने दिया था 20 नकाती प्रोग्राम जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया, एक मिशन के तौर पर उस 20 नकाती प्रोग्राम को चलाया गया था, तो वो उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी यहाँ के गरीबों को गुर्बत दूर करने के लिए। तो हमें कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्तों में उनके इन दिए हुए पॉलिसीज प्रोग्राम्स को जनता तक ले जाने की ज़रूरत है। और आज जिस तरह से देश में फिरकापरस्त ताकतों ने देश को बांटने का काम, लोगों को, माइनॉरिटीज़ को कुचलने का काम जो उन्होंने हाथ में लिया है, ऐसे मौके पर देश को फिर से कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज़ पसंद आने लगे, जो हमारा पास था उसको याद करने लगे हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जुल्म सितम का एक आलम है उससे छुटकारा देने के लिए हमारी आज के दिन पर अपील है जम्मू कश्मीर वासियों को, महज एक कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा अच्छी पॉलिसीज़ यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के व्यापार के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के लिए हमेशा अच्छे प्रोग्राम दिए थे। फिर दिन आएंगे, हम जम्मू कश्मीर वासियों को अपील करेंगे कांग्रेस के रास्ते को अपनाइए, कांग्रेस ही वाहि। हम जब सपोर्ट सुप्रीट की बात करते हैं, क्योंकि सपोर्ट्स इज अबव इज़्म, अबव मतलब एवरीथिंग, उसमें एक अलग से एक सुप्रीट होता है। मुझे अच्छा लगा कि जब इंडिया पाक अभी T20 हुआ है, इंडिया किसी वजह से नहीं जीत पाया, मगर जो इंडियन कैप्टन था विराट कोहली, जो उसने उस वक्त अपने दूसरी टीम के साथ में एक स्पोर्ट्समैनशिप का एक इजहार किया, मेरे ख्याल से उस तरह का स्पोर्ट्समैनशिप हो सकता है देश में करोड़ों लाखों लोगों के अंदर हो सकता है, ना सिर्फ विराट कोहली तक। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने, जो नॉर्मली क्रिकेट मैचेस को शायद कभी ट्वीट नहीं करता है, मगर इस बार T20 के बाद में देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता है, तो उसके बाद में अगर कोई किसी तरह से किसी जीतने वाले टीम के साथ में कहीं अपने आप को शो करता है, जब देश का प्रधानमंत्री, देश का जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, जब वो उस तरह का मतलब एक इजहार करता है, तो उसके बाद अगर कोई नौजवान उस तरह का जज्बात रखता है, मुझे नहीं लगता है उस पर इस तरह से कड़ी कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए। जनता पार्टी का दूसरा नाम ही है रिनेमिंग पार्टी। देश में इन्होंने पिछले 7 साल प्लस सरकार के हो गए 7.5 साल, 7.5 साल में किसी भी रोड प्रोजेक्ट, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का इन्होंने शुरुआत तो नहीं की, बल्कि जो 70 साल से बने हुए चीज़ें थी उनका तो खाली नाम प्लेट ही तो बदला, खाली रिनेमिंग किया, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम हो, चाहे वो रोड्स का नाम हो, चाहे से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम हो, खाली नाम बदलने का काम किया है, अपना कोई नया चीज़ पैदा किए वो उनके पास है नहीं।